जय हिंद वंदे मातरम प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना 2024। जी हाँ साथियों, आयुष्मान कार्ड की योजना है जो प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई है। इस योजना के तहत आपको फ्री इलाज दिया जाएगा दोस्तों। अगर अभी तक आपने ये कार्ड नहीं बनवाया है तो अब बनवा लीजिए, कोई समस्या नहीं है। देखते हैं कौन कौन से राज्यों ने कार्ड बनवाना शुरू कर दिए हैं, कौन कौन से राज्य हैं जो कार्ड बनवा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, और कितने कार्ड बन चुके हैं, ये भी तमाम बातें हम करने वाले हैं। सरकार कौन कौन से लाभ इससे देने वाली है, कितने रुपए तक का हम लाभ पा सकते हैं, इसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। और इसके कार्ड जो बनेंगे उसमें जरूरी दस्तावेज क्या क्या चाहिए, उसकी मैं अलग से आपको एक वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें आपको प्रूफ के साथ दिखाया जाएगा कि कार्ड कैसे बनता है और क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, ठीक है साथियों। तो इसी की संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं एकदम आसान और सरल भाषा में। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहां पे आपको दिख रहा होगा ओम वीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो, इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे, फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के YouTube चैनल में। देखो भाई, इस कार्ड के बारे में देखते हैं क्या ताजा खबर आई है, आज की ताजा खबर है, इसी खबर को हम आपके साथ साझा करने वाले हैं कि भाई इसमें क्या खबर आई है और क्या नहीं आई है। देखो, प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना 2024, 10 लाख रुपए तक इलाज फ्री मिलने की है इसमें गारंटी। जी हां साथियों, पहले तो 5 लाख रुपए तक का है लेकिन अब इसको 10 लाख रुपए तक की गारंटी दे दी जाएगी और आपको 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री मिलेगा। जो चिरंजीवी योजना थी तुम्हारी, पहले कौन सी थी साहब? पहले चिरंजीवी योजना थी साहब, उस चिरंजीवी योजना को अब क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। वैसे तो बंद नहीं किया है साथियों, लेकिन बंद हो गई लगभग। ये बंद कैसे हो गई साहब? लगभग बंद इसलिए हो गई दोस्तों कि चिरंजीवी योजना में जो पैसा सरकार को देना चाहिए अस्पतालों को, वो नहीं दे पा रहे थे। इस कारण भाई अब अस्पताल वाले फ्री में कैसे इलाज करेंगे, उनको भी तो पैसे चाहिए ना भाई। जब चिरंजीवी योजना में जुड़े हुए हैं जो भी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं, वो लोगों का फ्री इलाज कर रहे हैं, जनाधार लगा करके फ्री इलाज तो करते हैं, लेकिन उसका पैसा, जो उसका बिल है, जो उसका बजट बना है, वो सरकार को देना पड़ता है ना, लेकिन सरकार उसको दे ही नहीं रही है। तो दे नहीं रही है तो अस्पताल वाले घाटे में चल रहे हैं, और घाटे में चल रहे हैं तो उन्होंने इसको बंद कर दिया है साथियों। अब चिरंजीवी से कोई इलाज ही नहीं करता है, ऐसे बोलते हैं कि हमें ही पैसे नहीं दे रही है सरकार तो हम कहां से इलाज कर दें। इस वजह से इस योजना को बंद ही मानो आप। और अब नई योजना जो नई सरकार बनी है, भजन सरकार राजस्थान में बनी है, उन्होंने भी इसको लागू कर दिया है। आयुष्मान चिरंजीवी की जगह आयुष्मान कार्ड योजना लागू रहेगी, इसमें आपको 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री मिलेगा। पहले तो इसमें 5 लाख का है, फिर धीरे धीरे इसको 10 लाख करने की उम्मीद जताई जा रही है। अब देखते हैं इसमें फटाफट से क्या बातें हैं। 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। जी हां साथियों, अब फिलहाल में 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड तो बन चुके हैं 26 राज्यों में और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। अगर अभी तक आपने आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है तो आप आज ही मित्र से संपर्क कर सकते हैं और आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, और कोई समस्या नहीं है। इसके ऊपर अलग से वीडियो भी हम लाएंगे जिस पर आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह और सारी चीज बता देंगे, एकदम सरल भाषा में समझा देंगे थान, ठीक है साहब, आराम से बनवा लियो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आगे की बात करते हैं। मुफ्त इलाज हो चुका है कितने लोगों का? 6.2 करोड़ लोगों का मुफ्त इलाज हो चुका है इस कार्ड के माध्यम से। जी हां साथियों, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 6.2 करोड़ लोगों ने इसका इलाज ले लिया है फ्री में और इसका लाभ ले चुके हैं। अब देख लो, 6.2 करोड़ लोग इसका लाभ भी ले चुके हैं और इस कार्ड को 30 करोड़ लोगों ने बनवा भी लिया है। 30 करोड़ लोगों ने बनवा भी लिया है और सबसे अधिक कार्ड बनाने वाले 10 राज्य कौन कौन से हैं उस पर भी थोड़ा सा फोकस डालते हैं। 10 राज्य हैं जो सबसे
जल्दी से जल्दी कार्ड बनवा चुके हैं और अब उनमें बन भी रहे हैं। कौन कौन से हैं? यूपी है, एमपी है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड, ये 10 राज्य ऐसे हैं जहां पे आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं और इसमें लाभ भी मिल रहा है लोगों को, इलाज भी फ्री मिल रहा है लोगों को, सरकार इसका पैसा ट्रांसफर कर रही है जो अस्पतालें हैं उनको, ठीक है साथियों। और इस योजना में ऐसा नहीं होगा कि आपको इलाज फ्री में नहीं दिया जाएगा, इलाज आपको फ्री मिलेगा, आपके पास ये कार्ड होना चाहिए। पहले 5 लाख रुपए इलाज फ्री है और अब 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करने के ऊपर सरकार कार्य कर रही है। जी हां साथियों, अब इसमें 10 लाख रुपए तक का आपको फ्री में इलाज मिलेगा, इसके ऊपर सरकार अपना कार्य कर रही है। और आयुष्मान भारत केंद्र की इलाज की गारंटी से राज्यों के हाथ तंग। अब देखो इसमें क्या खबर और आई है, एक खबर और आई है आयुष्मान भारत को लेकर के, केंद्र की इलाज की गारंटी से राज्यों के हाथ तंग आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि केंद्र की जो गारंटी योजना है आयुष्मान कार्ड योजना, इसमें राज्यों की सरकार जो है उसके हाथ तंग हो गए हैं साहब। वो कैसे हुए हैं साहब कि केंद्र सरकार की योजना है तो केंद्र सरकार को ज्यादा परसेंट उनको देना चाहिए और राज्य सरकार को कम देना चाहिए, लेकिन अब राज्य सरकार इसका बोझ ज्यादा उठा रही है, केंद्र सरकार कम दे पा रही है। ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? प्रीमियम 2 गुना हुआ लेकिन केंद्र के राशि नहीं बढ़ाने से राज्यों पर बोझ बढ़ रहा है। 60% हिस्सा भारत सरकार वहन करे, ऐसा इनका कहना है राज्य सरकारों का कि भैया कम से कम 60% हिस्सा तो केंद्र सरकार वहन करे और 40% हिस्सा राज्य सरकार वहन करे। लेकिन अब राज्य सरकार 60-70% वहन कर रहे हैं। अब बताओ ये इसमें नुकसान ये हो रहा है कि भाई जो राज्य सरकार है उस राज्य सरकार को 40% तक वहन करना चाहिए और केंद्र सरकार को जो है वो इसमें 60% वहन करना चाहिए, लेकिन अब उल्टा हो रहा है। अब राज्य सरकार तो 60% वहन कर रही है और केंद्र 40% दे रही है। इस वजह से इस योजना में थोड़ी सी हड़कंप सा है, थोड़ा सा ऐसे कह सकते हैं कि भैया कम काम करने योग्य की आसार बन रहे हैं कि भैया ऐसे तो फिर ये योजना बंद हो जाएगी, राज्य सरकार के पास कर्जा हो जाएगा, कर्जा हो जाएगा तो इस योजना को बंद कर देंगे, फिर केंद्र सरकार को आना पड़ेगा आगे और फिर इसको योजना को लागू करना पड़ेगा। यानी कि मेन बात यह है कि केंद्र सरकार खर्चा कम दे रही है इसमें। अब मान लो कोई मरीज है और उस मरीज का इलाज कर दिया है, अब 5 लाख रुपए का इलाज फ्री दे रखा है अब फिलहाल, तो 5 लाख का फ्री इलाज है तो जिसमें मान लो 1 लाख रुपए लगे उसके, तो 1 लाख रुपए में से अब जो राज्य सरकार है, जैसे मान लो राजस्थान है तो राजस्थान 1 लाख रुपए पूरे पूरे खर्च नहीं उठा पाएगी, उसमें से 60,000 रुपए केंद्र सरकार को देने होंगे और 40,000 राजस्थान सरकार वहन कर लेगी। ऐसे फिर उस इलाज फ्री हो जाएगा उस मरीज का, 60,000 केंद्र सरकार के आ जाएंगे, 40 उससे मिलाकर के काट लिए जाएंगे फिर उसमें से, ठीक है। तो ये है इसकी संपूर्ण जानकारी, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है, ये सरकार का आपसी मामला है, आपका काम है इसमें जुड़ना, आपका काम है इस योजना में जुड़ना, इसका कार्ड बनवाना, इलाज फ्री मिलेगा, कोई समस्या नहीं है, चिरंजीवी काम नहीं करेगा, अब आयुष्मान काम करेगा, ठीक है साथियों। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं और जितनी भी सरकारी योजनाएं निकलती हैं तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।